के साथ और आकृति मैडम के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं घर। सामान मैंने पूरा रख लिया है और ये ललित मिल गया। फिर चलते हैं। और मैं अभी पहुंचा अपने घर कैंची मोड़। देख लो रास्ता भी सुनसान ही है। हेलो, तो आज मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ और आज मैं जा रहा हूँ घर। काफ़ी टाइम बाद अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। वैसे ऑफिस से मैंने आउट कर दिया है तो चलते हैं घर। मैं थोड़ी देर बैठा था अभी यहाँ नवजोत सर के साथ और आकृति मैडम के साथ। अभी ये कुछ खा रहे थे तो मेरे को लगा मैं चटपटा कुछ हो जाए, फिर चलते हैं घर। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से हम जाएँगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से घर। और अभी ठीक है, कल मेरा ऑफ है, कल मैं छुट्टी पे हूँ और मंडे नहीं सॉरी वेडनेसडे आऊँगा ऑफिस। ठीक है गाइस, अभी चलता हूँ, मेरे ऑफ हो चुका है। ओके, वो भी जा रहे हैं, एंट्री मैंने कर दी है। भाजी आए हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं घर और देखते हैं। घूम जा रहा हूँ। ललित को मैंने बोला, फ्रेंड है मेरा, वो आ रहा है मेरे को लेने के लिए। तो अभी उसका आई थिंक 15 मिनट बाद होगा तो वो आएगा, तब तक मैं सामान पैक कर लेता हूँ अपना। अभी चला हुआ हूँ, अभी कंपनी वैसे मेरी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5 मिनट लगते आई थिंक, 5-7 मिनट। और अभी पहुंच गया हूँ पीजी अपने, और फटाफट बैग पैक करेंगे और घर को चलते हैं। ये हमारे कुक है, देखो क्या बन रहा है भाई, यार क्या बन रहा है, बोल 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 बोल, तो क्या बन रहा है। हाँ यार, वहाँ चने की दाल वैसे, ये बंदे हमारे कुक सुंदर भाई, सुंदर भाई तेरा सुंदर है, सूरज भी है। सामान मैंने पूरा रख दिया है, ललित आ गया, वो कॉल कर रहा है, मैं चलता हूँ। ओके ओके ओके, चलते हैं। और भाई छोटू छोटू कुछ बात मिलते भी, ठीक है। प्रोफेसर ये हमारा प्रोफेसर है, इसको इतनी नॉलेज है, मतलब कि बंदे पूछो ही मत। ये IAS की तैयारी कर रहे हैं वैसे अभी, IAS की। और ये पाइथन का डेवलपर है हमारा, ये भी कर रहा है कोशिश अभी, चला है काम। ओके चलो चलते हैं फिर। और अभी मैं जा रहा हूँ ललित के पास, वो वेट कर रहा है। ये मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं कि मैं गाड़ी में सही सलामत मेरे को पहुँचा दें, यहाँ पे कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊँ। प्रोफेसर साहब लगे हैं फोन पे पीछे, देखो मीटिंग चली है इनकी अभी। और ये ललित मिल गया मुझे, ये वेट कर रहा है मेरा। हरिओम, चलते हैं भाई अब घर। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे पहले हम? पहले तेरे को 43 ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से खुद को ड्रॉप करते हैं। हाँ पहले भाई सीट बेल्ट लगा ले, हम रुक जाओ 1 मिनट जरा। अभी 43 चले हैं, रास्ते में हैं, बस 5-7 मिनट पहुंचेंगे, वहां से बस लूँगा, फिर चलेंगे जहां चलते हैं अपने घर। और लगे हैं चलान मामू, हम लोग चलान कर रहे हैं पीछे। बस यही
कहानी है। मैं सच बताऊँ मेरे को ब्लॉग बनाने आते नहीं है, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ कि चलो खुद ही हंसता रहता हूँ अपने बोली हुई अपने ब्लॉग को देख के मेरे को खुद ही हंसी आती रहती है कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो चलो भाई अपना इन्जॉय किया और गया, अपना इन्जॉय तो बनता है ललित पुराने जी है ना ब्लॉग। हाँ हाँ बहुत अच्छे होते हैं, आपकी मेमोरी सेफ रहती है, कभी भी देख लो। जब मर्जी हम बुढ़े हो जाएंगे फिर देखेंगे हम कि हाँ भाई हम यहाँ घूम रहे थे किसी टाइम, हम इसको भी जानते हैं। मेन पर्पस यही था कि हाँ भाई अपनी मेमोरीज पूरी सेफ रखनी है। बाकी यूट्यूब अगर डिलीट ना मारे तब कई बार यूट्यूब चैनल डिलीट मार देते हैं। नहीं ऐसे भी डिलीट नहीं होता अगर आपका कंटेंट सही हो। वो हमें इतना आता नहीं ब्लॉग, हम तो बस टाइम पास। वो अभी तो मैं ऑफिस से आया, कहाँ टाइम ब्लॉग कब बनाने, ब्लॉग कोई फॉलो भी नहीं करता। देखते हैं वॉच तो व्यूज बढ़ जाते हैं थोड़े बहुत, पर फॉलो भाई कर देना फॉलो इस बार तू ही बोल दे मेरे भाई। नहीं फॉलो करेंगे बस, कंटेंट अच्छा रहेगा तो बस यही कंटेंट है। चले हैं ट्राई करते हैं कि क्या होता है, कोई चक्कर नहीं है। और ये पहुंच गए हम 43 सेक्टर बस स्टैंड, बस सामने दिख रहे हैं ऑटो वगैरह लगे हुए हैं। आगे छोड़ो कि मैं ज्यादा लग जाऊंगा खाली हूं आगे ना। हां हां और पहुंच गया हूँ अभी बस स्टैंड 43। बस लगी है, ढूंढनी पड़ेगी अपनी बस कहाँ पे है, मनाली हो जाए, कुल्लू हो जाए, सुंदर नगर कोई तो मिल जाएगी। हैं भाई बस चलेगी अभी 8 बजे, मेरे को हो गया आधा घंटा वेट करते हुए, दिमाग का हो गया दही। देखते हैं 8 बजने वाले हैं। खाना खाने के लिए रुके हैं और गर्मी पड़ी है, फिर चलते हैं। क्या है खाना खाने में तो भूख नहीं है, मम्मी ने बोला मैंने घर में बनाया हुआ है खाना कुछ स्पेशल तो घर में खाइयो। बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है, गर्मी बढ़ी है। ये बस खड़ी हुई है अभी, ये होटल है और मैं फिलहाल गाड़ियां जा रही हैं सड़क में और सड़क की हवा ले रहा है ताकि गर्मी बढ़ी है, गाड़ियां जा रही हैं और उससे हवा लग रही है तो वो हवा मैं ले रहा हूँ फिलहाल। पहुँचे हैं गिरतपुर के पास। फाइनली बस चल पड़ी है 15 मिनट रुकने के बाद। चलते हैं अब, कंडक्टर साहब ने बीसल बजा दी है, चलते हैं। Oh,
एक बज गया और मैं अभी पहुंचा अपने घर कैंची मोड। चला हूँ पैदल ही, मम्मा माता आ रही थी लेने, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कह रेस्ट करो आप, मैं आ जाऊँगा। तो भाई ये है कैंची मोड, यहाँ से चला हूँ पैदल। पापा हैं ड्यूटी और वरना उन्होंने आना था। आपको दिखाता हूँ मैं फैक्ट्री कहाँ पे है। ये रही इसी फैक्ट्री, हमारे पापा जी भी यहीं काम करते हैं, कहीं कर रहे होने काम, नाइट ड्यूटी लगी हुई है। और मैं चला हूँ पैदल। अच्छा लग रहा है वैसे घर आके, अपनी अपनी फीलिंग आ रही है कि इतने टाइम बाद घर आया। ये फैक्ट्री और ये है इसी फैक्ट्री का मेन गेट, और यहाँ से जा रहा है मेरे घर को रास्ता। ये है इसी फैक्ट्री, भाई अभी चला हूँ मैं 1 बजे, और देख लो रास्ता भी सुनसान ही है, कोई नहीं है यहाँ। हम अकेले चले हैं घर की तरफ। बस चलो घर चलो, और हम पहुँच गए हैं। अगर भाई बिल्कुल अंधेरा है, देख लो भाई इस अंधेरे रास्ते से मैं अभी 1 बजे गुजर रहा हूँ। ये लगे हैं, इनको बोलते हैं हम पतेड़ू बोलते हैं इनको। और ये पेड़ और ये आंगन, और हम कर गए हैं प्रवेश। ये साइकिल किसकी है भाई, भाई? और मैं पहुंच गया रूम में। मम्मी सो गए हैं, उनको अच्छी खासी नींद आई है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो मैं आ गए हैं, अब करते हैं रेस्ट। ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मम्मी से मिल बात करना, मम्मी से हुए हैं अभी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके ठीक है।